वेलकम बैक दी वेलकम, आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज के इस गेम प्ले में गाइस हम खेलने वाले हैं राफ्ट सर्वाइवल ओशियन नोमैड। और गाइस आपको आज का थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। और गाइस आज के इस गेम प्ले में हम मारने वाले हैं शार्क को, क्योंकि गाइस शार्क ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। मतलब जब भी मैं नेक्स्ट डे प्ले करता था तो गाइस वो मेरे को मार देता था किसी भी तरीके से, लेकिन मेरे को नहीं पता वो किस तरीके से मार देता था। शायद मैं साइड में ही खड़ा रह जाता था और वो तोड़ के और मेरे को मार देता था। तो गाइस आज के इस गेम प्ले में हम बनाने वाले हैं कुछ नई नई चीज़ें, जिसके लिए मैंने सामान इतने सारे इकट्ठे कर तो लिए हैं, लेकिन गाइस अभी वो मेरा अभी अनलॉक नहीं हुआ है। तो गाइस फटाफट से मैं अपना अनलॉक करता हूँ तीर धनुष को, या फिर स्पीयर वगैरह जो भी हथियार होंगे सबको अनलॉक करेंगे। और आज के इस गेम पे मैं 3-4 शार्क को मारने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसे ग्रे टाइप का कर दो एंड लाइक कर दो हमारी इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें वगैरह होती हैं, तो मैं सोच रहा होता हूँ कि अब क्या करें। और गाइस यहाँ पे एक ऐसी मछली होती है जिसे मैं खा नहीं सकता, मतलब क्या ही चीज़ हो रही। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने लिए कपड़े बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक टास्क भी आ रखा था और नाइट होते ही जो हमारा प्लेयर है उसको ठंड लगने लग जाती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े बना लिए हैं जो कि ठीक ठाक हमें प्रोटेक्ट करेंगे शार्क वगैरह से और ठंड से भी। तो गाइस यहाँ पे अंदर की साइड एक और मैं यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जो स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पे मैं कुछ कलेक्ट कर नहीं पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसे प्लेस कर दिया। और यहाँ पे एक करके सारे सामान रख देता हूँ, सारे नहीं मतलब जो बेकार की चीज़ें हैं उसे रख देता हूँ। तो कैसे यहाँ पे एक हैट थी उसको मैंने पहन लिया, और यहाँ पे मैंने लकड़ी वाली हैट को इसके अंदर रख दिया है। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा घर का गेट है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है मेरे को इस पत्तों के कारण। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो स्पेयर वगैरह यहाँ पे वो भी हमारी अनलॉक हो चुकी है, तो फटाफट से हम वो बनाएंगे। यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह कुछ बना रहा था क्योंकि रात होने वाली थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कैसे यहाँ पे मैंने वो वगैरह अनलॉक हो रखी है, लेकिन बस हमें उसके लिए सामग्री इकट्ठी करनी है। सामग्री के लिए चाहिए हमें गाइस इतनी सारी लूट जो कि देखने के बाद मज़ा आ जाए। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो कुछ नई नई चीज़ें भी खुली और हमारी एक गन भी खुल चुकी है, तो फटाफट से गन भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बो बनाना होगा, क्योंकि बो से गाइस मेरे ख्याल से जल्दी मर जाना चाहिए शार्क को। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो जितने भी यहाँ पे प्लैंक्स वगैरह है कुछ नया खुला था, मतलब बेस जो होता है इसको कहते हैं शायद बेस ही कहते हैं गाइस, बेस प्लैंक मैं कह रहा हूँ, मेरे को उतना याद नहीं है गाइस। तो यहाँ पे मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था, और ये गेट गाइस कभी कभी अटक जाता है, पता नहीं क्यों ही अटक जाता है, बस अटक जाता है ये। तो गाइस यहाँ पे जो नया वाला फ्लोर आया था इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया है यहाँ पे गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक शार्क है जो कि तोड़ के बार बार चली जा रही थी, तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया इस चीज़ को। तो गाइस अब टाइम आ चुका है शार्क को मारने का। तो गाइस शार्क मारने से पहले गाइस यहाँ पे मेरे को बो क्राफ्ट करना पड़ेगा, और उससे पहले गाइस ये खुद ही मरने के लिए आ गया, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेयर ले रखा था। और गाइस जितने में इसने मेरा जो वो था घर का बेस उसे तोड़ दिया, और गाइस वहाँ पे मेरे को भी डैमेज दे के चला गया। तो गाइस अब मेरा जो गुस्सा है वो दुगना हो चुका था। तो गाइस फटाफट से सारे के सारे रिसोर्सेज को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स आया था जिसमें मेरे को प्लैंक्स वगैरह ठीक ठाक मिल गई, तो से जितने भी दूर दूर चीज़ें जा रही हैं जो कि अच्छी चीज़ें हैं जो कि मेरे को अच्छी अच्छी रिसोर्सेज दे सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसे कलेक्ट करते हैं, फिर दिन में सब शार्क को मारेंगे। क्योंकि गाइस नाइट में जो पानी है वो ब्लू टाइप का ज़्यादा हो गया, मेरे को उतना शार्क नज़र में नहीं आ रहा कि यहाँ पे शार्क है भी या नहीं है। और गाइस यहाँ पे मेरे को एक ड्रम मिला, ड्रम के अंदर से ज़्यादा चीज़ें अच्छी तो नहीं मिली लेकिन ठीक ठाक मिल गया। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने कपड़े पहने थे उसके बावजूद भी हमें ठंड लग रही है, लेकिन हेल्थ नहीं जा रहा, मतलब बस इसके अंदर ये जो दो साइन आ रहे हैं मतलब वार्निंग टाइप के, इससे पता चलता है कि जो आपका प्लेयर है उसको ठंड लग रही है नहीं लग रही। तो गाइस यहाँ पे मेरे को बो बनाने के लिए अभी सामग्री थोड़ी बहुत कम पड़ गई थी, तो यहाँ पे जितने भी बॉक्स आ रहे थे तो गाइस मेरे को थोड़ा थोड़ा लालच आ रहा था कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा लंबा ही लूट कर गया, लेकिन मेरे पास बो बन चुका था। तो गाइस यहाँ पे मैंने बो को क्राफ्ट कर लिया है। अब गाइस हमने एरो भी कर लिया 32 के करीब है, नहीं 22 है हमारे पास बो। तो गाइस अब हमें शार्क दिखने की दिक्कत है। तो गाइस यहाँ पे मैं शार्क दिखी, एक शॉट मारा, मैंने दो शॉट मारा, और यहाँ गाइस तीन शॉट में मतलब 3 या 4 शॉट में ख़त्म हो जाता है ये शार्क। और गाइस यहाँ पे पहले शार्क की मृत्यु हो चुकी थी, अब बढ़ते हैं दूसरे शार्क की ओर। गाइस यहाँ पे मेरे को शार्क का हेड मिल चुका था, लेकिन उसका जो मीट माट जो हमें पका के खा सकते हैं वो तो अभी नहीं मिला था। तो गाइस अब फटाफट से मैं दूसरे शार्क को यहाँ पे इंतजार किया कि इतने में आ जाए वो। तो गाइस यहाँ पे ये दूसरे शार्क को ही मैंने मार दिया 2-3 इसमें, क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत डैमेज दे के रखता हूँ मैं गाइस। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टोरेज है वो भर चुका था, और मेरे को दोबारा से स्टोरेज के में जाना पड़ेगा, स्टोरेज बॉक्स में उसके अंदर से खाली करनी पड़ेंगी चीज़ों को। तो ये गाइस यहाँ पे मैंने जितने भी फालतू की चीज़ें थी यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है। अब जाते हैं शार्क का हेड लेके आते हैं, और गाइस मैं यहाँ पे शार्क के हेड को यहाँ पे टांगने वाला भी हूँ, ताकि जो भी शार्क आए पहले ही डर जाए, हमें मारने की कोशिश ना करे। तो गाइस यहाँ पे मैंने दोबारा से
जो सार के हेड वगैरह थे वो मैंने ले लिया, लेकिन इस बार गाइस हमें सार का वो भी देखने को मिल गया, मतलब मीट वगैरह भी मिल गया। तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 सार को मार चुका था और काफ़ी मज़ा आ गया मेरे को, क्योंकि गाइस यही मार रहे थे, मैं तो मार पा नहीं रहा था। तो गाइस अब इनसे लेंगे बदला, जितने भी चीज़ें थी सबका मैंने बदला ले लिया था। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2-3 सार के अभी एक हेड और पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी प्लैंक्स नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सार का हेड लगा दिया है। गाइस देख सकते हो एक ऐसा है और एक बिल्कुल उसके मुँह के बीचों बीच उसने ऐसे फाड़ रखा है। तो गाइस आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा हो, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है। तो ठीक है, चैनल नए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।